जो कि नॉन वेनमस बिना जहर वाला सांप है, इसमें कोई जहर नहीं। तो दो ये कोबरा सांप है, वेनमस स्नेक जहरीला सांप, तो इसे जाने देते हैं दोस्तों। दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सिर्फ एक ही मुंह है जो आपको दिखाई दे रहा है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। दोस्तों अपने पास है एक बहुत ही कलरफुल स्नेक, तो दोस्तों इसे बाहर निकालते हैं। दिखने में काफ़ी खूबसूरत सांप है, ये है कुकरी स्नेक। इसे कॉमन कुकरी स्नेक कहते हैं, जो नॉन वेनमस स्नेक है, कोई जहर नहीं है इसके अंदर। दोस्तों इसे कुकरी स्नेक कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर सर पे आप देख पा रहे हो ये कुकरी टाइप निशान दिखाई दे रहा है आपको, इसकी वजह से इसे कुकरी स्नेक कहा जाता है। दोस्तों ये सांप ज़्यादातर रात के समय निकलता है शिकार के लिए, और बारिश के बाद बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई देता है ये सांप। ये सांप क्रेस सांप से मिलता जुलता है और काफ़ी ज़बरदस्त बाइट करता है। अभी ये बिल्कुल शांत है, बाकी कॉमन वुल्फ जैसे बिल्कुल एकदम इतना ज़बरदस्त बाइट करता है ये सांप, देख सकते हो आप। इसकी खूबसूरत देख पा रहे हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये कॉमन कुकरी स्नेक, जो कि नॉन वेनमस बिना जहर वाला सांप है, इसमें कोई जहर नहीं। तो दोस्तों कभी भी आसपास दिखाई दे आपको घर की ओर, तो घबराए नहीं इस सांप से, क्योंकि ये नॉन वेनमस है, बिना जहर वाला, और बाइट तो करता है दोस्तों। ये जब गुस्से में होता है तब ये अपने एस पोजीशन में आता है, तब ये बाइट करता है। देख सकते हो आप कैसे एस बनाता है ये सांप, और जंप मार सकता है एस बना के। जब इसे खतरा महसूस हो रहा है तो ये बाइट करने की फुल कोशिश में है। तो दोस्तों घबराने, क्योंकि ये नॉन वेनमस है, बिना जहर वाला, इसमें कोई जहर नहीं होता है, पर काटता बहुत ज़्यादा है। देख सकते हो आप कैसे बाइट कर रहा है, ये स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। अभी इसे खतरा महसूस हो रहा है इसीलिए। दोस्तों इस जीव को मारे नहीं, कभी भी घरों के आसपास दिखाई दे तो इसे हम रिलीज़ करते हैं पर्यावरण के लिए। तो दोस्तों इस सांप को हम यहीं रिलीज़ कर देते हैं पर्यावरण के लिए। तो इस जीव को मारे नहीं दोस्तों, इस सांप को हम यहीं रिलीज़ कर देते हैं। दोस्तों दूसरा सांप है अपने पास, रेड सैंड कोवा स्नेक, जिसे हम दो मुआ सांप बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हो इसे दो मुआ सांप बोलते हैं, जो कि नॉन वेनमस बिना जहर वाला होता है, कोई जहर नहीं इसके पास कोई जहर नहीं होता है, और कोई खतरा नहीं इस जीव से। बहुत धीमी रफ्तार से चलने वाला जीव है ये, आप देख पा रहे हो ये। इसे लोगों का अंधविश्वास है दो मुंह है इसके, तो यहाँ कोई दो मुंह नहीं दिखाई दे रहे आपको, ये सिर्फ एक ही मुंह है जो आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों लोग अक्सर इसकी खरीदी भी करते हैं और बिक्री भी करते हैं लाखों में। तो वैसे नॉन वेनमस से बिना जहर वाला, इस जीव को कभी मारने की ज़रूरत नहीं है और इससे कोई खतरा भी नहीं है हमें, तो इसे भी हम पर्यावरण के लिए यहीं रिलीज़ करेंगे। तो दोस्तों बिना जहर वाला सांप है ये,
रेड सैंड बोआ स्नेक जिसे दो मुआ सांप बोलते हैं, तो इसे हम पर्यावरण के लिए यही रिलीज कर देते हैं। तो इस जीव को मारे नहीं, एकदम धीमी रफ्तार से चलने वाला जीव है ये। तो दोस्तों बहुत धीमी रफ्तार है इसकी। तो दोस्तों एक और है अपने पास सांप, इंडियन कोबरा स्नेक, वेनमस स्नेक, जहरीला सांप है। तो इसे भी हम यही बाहर निकालते हैं। तो देख पा रहे हो दोस्तों आप, ये है बेबी कोबरा स्नेक। ये छोटा सा मगर काफी आक्रामक है, काफी गुस्सैल है। जब खतरा महसूस होता है इन्हें तब तैयार रहते हैं ये कोबरा सांप। काफी आक्रामक रूप देख रहे हैं सांप का, इंडियन कोबरा जो कि वेनमस स्नेक है, जहरीले सांपों में काफी डेंजर सांप है दोस्तों ये। कभी भी गलती से इस सांप के ऊपर पैर न रखें, क्योंकि ज़्यादातर ये कोबरा सांप पैर रखने की वजह से ही बाइट करते हैं। कभी इन्हें गलती से बिना जानकारी के इस सांप के नज़दीक जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि काफ़ी डेंजर है, काफ़ी गुस्से में सांप। कोबरा सांप है वेनमस स्नेक, सावधानी रखें इस सांप के प्रति। दोस्तों इस सांप को भी जाने देते हैं, हम यही रिलीज कर देते हैं। कभी भी घरों के आसपास कूड़ा कचरा ना रखें, तो इसे भी हम पर्यावरण के लिए यही रिलीज कर देते हैं। ये कोबरा सांप है, वेनमस स्नेक, जहरीला सांप, तो इसे जाने देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।